गुड इवनिंग गाइस, दिस इज राजेश एंड वी आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, देखेंगे कल के लिए हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो फाइनली चलते हैं हम यहाँ पर वनडे के चार्ट में, और वनडे के चार्ट में देखिए फाइनली आज हमारी एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए जो कैंडल बनी है वो कैंडल ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है। बहुत अच्छी डोजी कैंडल भी हम नहीं कह सकते, बट ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया और फाइनली यहाँ से बाउंस बैक किया। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया और थोड़ा सा अगर बाउंस बैक दिखाया तो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 कैंडल्स कंटिन्यू गिरी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू सपोर्ट ले रही थी, ठीक है। अब ये सपोर्ट ले रही थी तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, इसलिए मार्केट ने आज यहाँ पर बाउंस बैक दिखाया है। बट यहाँ से अगर मार्केट अब यहाँ पर हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, ऑलमोस्ट 39,900 के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट। मतलब जब तक मार्केट 40,000 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी कोई बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। बाइंग मिलेगी बट ऐसा नहीं है वो एक स्कॉल्पिंग टाइप की बाइंग होगी, या समझ लीजिए एकदम से बड़ी कैंडल बन गई और एकदम से उसके बाद रेड कैंडल बन गई, इस तरह की मतलब कुछ ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। मतलब मैं यहाँ पर बाइंग के लिए इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं हूँ, बाइंग के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। हाँ, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगी तो मैं जाकर के यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा और मैं सेलिंग को छोड़कर बाइंग के ही ट्रेड देखूंगा। बट देखिए ऊपर से जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पर भी अपने पास एक अगेन जाकर के हर्डल मिलने वाला है। बट यहाँ पर फिलहाल अपने को कल के लिए ये अपने पास जो स्पेस है वो स्पेस है ऑलमोस्ट 39,200 से लेकर के 40,000 के आसपास। तो ये 800 पॉइंट के बीच में मार्केट कल ट्रेड कर सकती है। देखते हैं कल का मार्केट सेशन कैसा होगा। और अभी मैं आप लोगों के साथ अपने में कुछ ट्रेड शेयर कर देता हूँ। देखिए मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर क्या हुआ, 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं, 5 मिनट के चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे पास, देखिए हमारी मार्केट ओपन कहाँ पर होती है, ऑलमोस्ट ये कैंडल, ठीक है। अब ये हमारे पास कल की क्लोजिंग है, और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट एक रेंज बना करके ब्रेकडाउन करती है तो यहाँ से बहुत अच्छा एक सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ऑलमोस्ट 15 मिनट तक यहाँ पर सस्टेन की है और फाइनली इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया और यहाँ से बहुत अच्छी मूवमेंट मार्केट ने नीचे की तरफ दी है। अब देखिए मार्केट यहाँ पर क्या करती है, देखिए किस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन चेंज होता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। और इस लेवल के आसपास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाइवर्जेंस ने यहाँ पर RSI ने यहाँ पर बिल्कुल भी लो पॉइंट नहीं दिखाया, बल्कि यहाँ पर ही डाइवर्जेंस एक फ्लैट यहाँ पर हो गया था। और मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास निकलती है अगेन एक मार्केट में अप मूव होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, मैं आपको एक लेवल बताया था ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास, ठीक है। चलिए पहले मैं आप लोगों के साथ अपने ट्रेड शेयर कर देता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट मैंने 3 ट्रेड फट यहाँ पर लिए थे। पहला ट्रेड मैंने इस कैंडल में लिया था, ठीक है, ये कैंडल मेरा पहला ट्रेड हो चुका था। क्योंकि देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं मॉर्निंग मार्केट को ओपन होते ही मार्केट में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर कट बियरिश था, तो पहली ट्रेड भी मेरा अपना सेल का था। दूसरा ट्रेड जब मार्केट यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज करती है और जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो मैं वहाँ पर 1 मिनट के चार्ट में जाकर के एंट्री लेता हूँ। तीसरा ट्रेड जब मार्केट ने ये कंफर्मेशन दे दी, यहाँ पर मैंने एक बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड किया। देखिए इस ट्रेड में क्वांटिटी छोटी थी पहले ट्रेड में, दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, बट ये जो तीसरे ट्रेड की जो कन्फर्मेशन आ गई इस ट्रेड के बाद, इस कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर एक अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने ट्रेड की। अब ऊपर से देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से एक मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना करके आ रही है। ट्रेंड लाइन बनाने के बाद मार्केट ने जब ये वाला ब्रेकआउट दिया है तो ये ब्रेकआउट को भी मैंने यहाँ पर जाकर के ट्रेड किया और ऑलमोस्ट देखिए मैं यहाँ तक तो नहीं गया बट मैं इस लेवल के आसपास जब यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड से एग्जिट कर गया था। उसके बाद इस ट्रेड में मैं एंट्री लेना था यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिख रहा है अपने को, बट मेरे को दिखा कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है इसका रेजिस्टेंस बहुत पास में है, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। अब अगला ट्रेड मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए क्या है, जो हमारे पास ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर कैंडल कौन सी बनती है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैंडल बनती है बेरिश एंगल्फिंग, और नीचे से देखिए जो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होता है। तो ये कैंडल के बाद मैं यहाँ पर अगेन एक ट्रेड लेता हूँ और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अब देखिए एक चीज मैंने इसके बाद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी शेयर की थी कि ये लेवल के बाद यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी सी आप कैंडल देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, तो ये क्या है, कई लोग इस कैंडल में एंटर कर गए होंगे। क्यों एंटर कर गए होंगे, इसको ब्रेकआउट समझ के, कि ये कैंडल जो है एक ब्रेकआउट कैंडल है और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव दे सकती है। पर देखिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में पहले वहां पर अपडेट कर दिया था कि मैं यहाँ पर बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ, मैं मार्केट को नीचे की तरफ देख रहा हूँ, जबकि मार्केट ने यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये जो स्विंग हमारा बना था ये पिछले स्विंग से ऊपर की तरफ बना था।
मतलब मार्केट का जो बायस था वो बायस बुलिश था, बट यहां पर मेरे को लग रहा था कि मार्केट एक बार और यहां पर नीचे की तरफ आ सकती है। सो देखिए यहां पर जिन जिन लोगों ने ग्रीन कैंडल में एंट्री ली होगी वो सब ट्रैप हुए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है ब्रेकआउट कैंडल को पहले क्लोज होने दीजिए। और ब्रेकआउट देखिए अगर यहां से ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए आने वाला रेजिस्टेंस कौन सा है। तो आने वाला रेजिस्टेंस हमारा ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को जब मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट कर दे तो जाकर के अपने को ट्रेड लेना है। और वहां पर मैंने आपको एक चार्ट भी बना करके भेजा था, उसको वो कुछ ऐसे था कि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे। दूसरा क्या था कि मार्केट इस तरीके से जाकर के यहां से करेक्शन करने के बाद ये ब्रेकआउट कर सकती है, और मार्केट ने सेम यही चीज की है। मार्केट ऊपर गई है, ट्रेंड लाइन को टेस्ट की है, करेक्शन करने के लिए नीचे आई और अगेन मार्केट ने यहां से बाउंस बैक किया। तो देखिए यहां पर जब मार्केट बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे थी, अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे थी, यहां पर मैंने शॉर्ट किया मार्केट को। क्यों शॉर्ट किया, देखिए ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, ये चीजें आप लोगों को एक्सपीरियंस से आएंगे कि मार्केट को यहां पर शॉर्ट क्यों किया, क्यों अपने को इस जगह पर जाकर के ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि देखिए बिल्कुल क्लियर कट एक रेजिस्टेंस एरिया था और मार्केट इमीडिएटली मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक नहीं करेगी, और वो भी तब जब मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दी हो। तो यहां पर मैंने मार्केट को शॉर्ट किया और ऑलमोस्ट मेरे को इस ट्रेड में 90 से 100 पॉइंट के आसपास मिले थे, और इस लेवल के आसपास मैंने ऑलमोस्ट नेवर प्रॉफिट बुक कर दिया था। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, जो मार्केट को देखिए पहली बार टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है और थर्ड टेस्ट है। अब इस लेवल के बाद जब मार्केट देखिए यहाँ पर सेटअप 15 बनाती है, एक मेरा एक सेटअप है, ये सेटअप 15 यहाँ पर क्रिएट होता है, तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ। जब ये मार्केट क्लोज हो गई, ये कैंडल क्लोज हो गई ऊपर की तरफ, और जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो जाकर के मैं यहाँ पर एक ट्रेड को और यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक और ट्रेड लेने का मेरा मूड था जब मार्केट ने ये चीज बनाई, ठीक है ना, यहाँ पर डोजी कैंडल बना, डोजी कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो मैं लेना चाहता था ट्रेड, बट यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी था, मैं लेना चाहता था बट यहाँ पर मैंने नहीं लिया, क्योंकि ट्रेड में देखिए ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, तो बहुत ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट ने आपको दे दिया तो उसको आप डाइजेस्ट करिए अब, ठीक है। चलिए चलते हैं, कल का हम ट्रेड प्लान देख लेते हैं, कल का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो टेलीग्राम चैनल में जो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, चार्ट शेयर करता हूँ, वो सारी चीजें मैं खुद भी करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं, और देखिए ये जो हमारे पास ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलती है, मे बी देखिए जो मैंने लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं वो लेवल्स है ऑलमोस्ट 39,500 के आसपास, 39,500 के बाद हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस करेंगे 39,700, और उसके बाद जो ये हाई लगा हुआ है ऑलमोस्ट 39,900, तो 500, 700, 900, 39,500, 39,700, 39 ये हमारे पास हो गया 500, दूसरा हो गया हमारे पास 700 और तीसरा हो गया हमारे पास 900। तो ये तीनों लेवल यहाँ पर देखिए क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से मान लीजिए मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक भी करती है, ऊपर की तरफ भी जाती है, तो मैं बाइंग के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए, और कैंडल क्लोज होने के बाद अगली कैंडल जब इसका हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ पर स्पेस ही कितना बच गया, देखिए अगले टारगेट के लिए स्पेस बहुत कम बच गया। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बाइंग के लिए मैं यहां पर भी स्काल्पिंग करूंगा, यहां पर भी स्काल्पिंग करूंगा। और जब मार्केट देखिए इस लेवल के आसपास 39,900, 39,950 इस लेवल के आसपास अगर मार्केट मेरे को मिलती है, तो मैं यहां से क्लियर कट शॉर्ट के लिए देखूंगा। और वो मैं शॉर्ट के लिए कहां तक देखूंगा, ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऑलमोस्ट इस लेवल तक, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारे पास, और जो दूसरा प्लान है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं यहाँ पर ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो मार्केट कंटिन्यूस लेवल को सपोर्ट ले रही है। अब मार्केट देखिए वन टेस्टिंग हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है, थर्ड हो चुकी है, अगर मार्केट कल ऐसे ऊपर की तरफ निकलती है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा, मे बी देखिए टारगेट मेरा यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या हो चुका होगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4 टेस्टिंग हो चुकी होगी। मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी नीचे की तरफ, तो मैं यहाँ पर क्लियर कट शॉर्ट के लिए जाऊंगा, ये मेरा शॉर्ट का एक ही एक प्लान है फिलहाल अभी। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, मान लीजिए कि मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल के आसपास है, पहले ये चीज समझ लीजिए कि ये जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा, और दूसरा जो मेरा शॉर्ट होगा वो 39,900 के आसपास होगा, ये दोनों मेरे शॉर्ट के हैं। और जो बीच में जो होगा, अगर मेरे को बाइंग का कोई सिग्नल मिलता है, कोई सेटअप मिलता है, तो मैं वो स्काल्पिंग करूंगा बाइंग के लिए, वो ट्रेड में होल्ड नहीं करूंगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहाँ पर मे बी कहीं नीचे की तरफ खुलती है, गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल को नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करती है, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड रहूंगा सेलिंग के लिए, ठीक है।
तो यहां पर देखिए, यहां तो आप बिल्कुल क्लियर कट एक तो कैंडल को क्लोज होने दीजिए, यहां जबरदस्ती इमीडिएटली एंटर करने की जरूरत नहीं है, या तो मार्केट को जाने दीजिए नीचे, कोई बात नहीं। यहां मार्केट नीचे जाती है अगेन, जब मार्केट यहां पर रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो ये क्या होगा, ये सपोर्ट हमारा यहां पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, और यहां मार्केट अगर कोई सिग्नल देती है तो यहां पर हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। मतलब फिलहाल मेरा अभी व्यू जो है वो बेरिश है, बुलिश नहीं है। बुलिश में होऊंगा 39,900 के ऊपर, 39,400 के ऊपर, जब मार्केट 40,000 के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी और अगली कैंडल जब उसका हाई ब्रेक करेगी तो मैं वहां पर एक होल्ड के लिए ट्रेड ले सकता हूं। बट यहां पर जो बाइंग की ट्रेड लूंगा वो सारे स्काल्पिंग के ट्रेड करूंगा, सिर्फ सेलिंग के ट्रेड में होल्ड करूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।